वंदे मातरम दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और कश्मीर में टारगेट किलिंग की हालिया घटनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्री ने जानकारी ली और इधर कश्मीर में गुरुवार को भी एक हिंदू कर्मचारी की हत्या आतंकवादियों ने कर दी। कश्मीर में टारगेट किलिंग से दुखी और घबराए हिंदू कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन की चेतावनी दी थी। ये बैठक ऐसे दिन हुई थी जब जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तीन दिनों में घाटी में हिंदुओं पर दूसरे लक्षित हमले में राजस्थान के एक बैंक प्रबंधक की आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इलाका ही देहाती बैंक की अरे शाखा में घुसकर आतंकवादी ने बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। राजधानी दिल्ली में दो लैंडफिल साइट हैं जिसमें कि समय समय पर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें खास तौर पर भलसवा लैंडफिल साइट पर पिछले महीने ही आग लगने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें करीब 10 दिन तक आग लैंडफिल साइट पर लगी रही। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की तैयारी की गई थी और एक टीम का गठन किया गया था जो टीम मुंबई जाकर रिसर्च कर रही थी। जब डीपीसीसी, एमसीडी और दिल्ली सरकार की टीम वापस आई तो अधिकारियों के साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भलसवा लैंडफिल साइट पर उस जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे जहां पर अब बहुत ही जल्द 9 पॉइंट एक्शन प्लान के साथ काम शुरू किया जाएगा। दरअसल रिसर्च में यह साफ हुआ है कि लगातार भलसवा लैंडफिल साइट पर मीथेन गैस की वजह से आग लग रही है। अब इस मीथेन गैस को बनने से रोकने के लिए लैंडफिल साइट पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और साथ ही साथ बाउंड्री वॉल भी लगाई जाएगी जिससे कोई भी व्यक्ति या फिर वाहन बिना अनुमति के लैंडफिल साइट के ऊपर ना जा सके। आज हमने यहाँ विजिट करके और एमसीडी के अधिकारियों के साथ, डीसीसी के अधिकारियों के साथ 9 पॉइंट एक्शन प्लान हमने डिसाइड किया है, जिसमें मुख्य तौर पर जो फैब्रिकेटेड पाइप लगाना लैंडफिल साइड में, जिससे कि मीथेन गैस जो है वो अंदर जो है स्टोर ना हो, दूसरा यहाँ पे बाउंड्री वॉल खड़ा करना जिससे कि अनऑथराइज जो है वो यहाँ पे एंट्री है उसको बैन किया जा सके, पिकेटिंग के लिए सर्वेलेंस टीम बनाने का, यहाँ पर जो है जो ट्रक्स जाते हैं, जो ऊपर जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें जो स्पार्क होता है उसको कंट्रोल लगाने के लिए। गोपाल राय जी का निरीक्षण करने आया, वहाँ बताया गया कि प्राइवेट है 9 पॉइंट जो लगाया जाएगा, कि जो पहले अभी कुछ ही दिन पहले की बात करी जाए कि भलसवा लैंडफिल पे आग लग गया था, उसके दौरान यहाँ के कुछ अधिकारी मुंबई गए, उस चीज़ को ट्रेनिंग लेकर आए, उसी ट्रेनिंग के अधिकारी इस चीज़ को यहाँ भलसवा लैंडफिल पे लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भलसवा लैंडफिल पे आए दिन कुछ ना कोई हादसे होते रहते हैं, उसको लेकर गोपाल राय जी आज निरीक्षण करने आए और लगातार इस मामले को मीटिंग करी और लगातार अपने अधिकारी से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द काम चालू कर दिया जाएगा। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। राजेंद्र नगर विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और इसी को लेकर राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए सतनगर में दुर्गेश पाठक के समर्थन में करोल बाग के विधायक विशेष रवि और करोल बाग विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। इसी दौरान लोगों से आम आदमी को वोट देकर दुर्गेश पाठक को जिताने की अपील की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक चुनाव प्रचार पदयात्रा करने लोहा मंडी वाई ब्लॉक पहुंचे, जहां पर लोगों ने दुर्गेश पाठक का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक आज आए हैं लोहा मंडी के अंदर, वाई ब्लॉक के अंदर, और महादेव का आशीर्वाद लिया और लोगों के बीच में ये बात कराते हैं। दुर्गेश जी, आज आप लोगों के बीच में आए हैं लोहा मंडी के अंदर और महादेव का आपको आशीर्वाद भी मिला, तो क्या लगे? बहुत अच्छा उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी के कामों से और लोग चाहते हैं कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने इस विधानसभा के अंदर शुरू किए हैं वो आगे भी चलते रहे, इसलिए वो चाहते हैं। लोग सबका मन यही है कि झाड़ू का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। जो लोगों के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं एमसीडी को लेकर, उसके बारे में आप? एमसीडी तो देखिए काफी गड़बड़ कर दिया है बीजेपी ने, देखिए गंदगी हर तरफ फैली हुई है तो लोग उससे काफी परेशान हैं।
आप राजेंद्र नगर सीट से उम्मीदवारी पे आए हैं, इससे कोई संदेश आप स्पेशल लोगों को? बस यही कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, अपनी राजेंद्र नगर को बढ़िया विधानसभा बनानी, अच्छी विधानसभा बनानी। तो हमारे साथ है राजेंद्र सीट से उम्मीदवार दुर्गेश पाठक, जो लोगों के बीच में आए हैं संदेश लेके और अपना। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लॉरेंस विश्नोई की 5 दिन की हिरासत मिली है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि गैंगस्टर जांच के दौरान पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। लॉरेंस विश्नोई से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस से पूछताछ के दौरान लॉरेंस ने कहा कि उसका मूसेवाला की हत्या से कोई लेना देना नहीं है और लॉरेंस खुद को सोशल मीडिया पोस्ट से भी अलग कर रहा है। उसमें उसके ग्रुप के सदस्य गोल्डी बराल ने हत्या की जिम्मेदारी थी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश में कौन शामिल है और किसने मदद की है और शूटर कहां से आए। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 5 दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस से बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है गैंगस्टर। पूछताछ में गैंगस्टर ने खुद को सिद्धू मूसेवाला हत्या केस से परे बताते हुए उस सोशल मीडिया से भी अपना नाम को और खुद को परे कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया साइट पर दी थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लगा है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई उन शूटरों का इस्तेमाल करते थे जो कि नए होते थे और वो पुलिस की पकड़ में ना आ पाए। फिलहाल पुलिस शूटरों का पता लगाने में लगी हुई है, कौन से शूटर थे और कहाँ से आए थे और उनके पास कहाँ से हथियार आए थे। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीआईएसएफ ने मिठाई और मसाले के डिब्बों में छिपाकर ले जाए जा रहे तकरीबन 27 लाख की कीमत के अमेरिकन डॉलर पकड़े हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक भारतीय व्यक्ति आईजीआई एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से दुबई के लिए जा रहा था, जिस पर सीआईएसएफ कर्मियों को शक हुआ और जब उसको रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास मिठाई और मसाले के गिफ्ट में पैक किए हुए पैसे मिले, जिन्हें जब खोलकर देखा गया तो उनमें से तकरीबन $24,000 से ज़्यादा के अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए, जिसकी भारतीय कीमत करीब 27 लाख रुपए है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम रवि है, जो कि दिल्ली से दुबई जा रहा था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मिठाई के डब्बे में डॉलर को छुपाकर ले जाया जा रहा है। दिल्ली में भोले भाले लोगों को मामूली रुपए देकर उनके किडनी का कारोबार करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रोह में दिल्ली के जाने माने अस्पताल के चिकित्सक भी शामिल हैं। वहीं हौजखास थाना क्षेत्र में एक चेकअप क्लिनिक की आड़ में इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है और इन सभी आरोपियों ने अपने काम बांटे हुए हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त वेनिता मैरी जैकर ने बताया कि बीते 26 मई को पिछली बार इस किडनी ग्रो के बारे में जानकारी मिली थी और वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। ट्रांसप्लांटेशन एक रैकेट हमें मिला है 26 मई को। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हौजखास के किसी लैब में ऐसे एक इलीगल ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड टेस्टिंग एंड ऐसा एक नेटवर्क चल रहा है, जिसके बारे में हमें खबर मिली। हमने तुरंत एक जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ पे ट्रैप जब लगाई हमें वहाँ पे एक आदमी मिला, जो बाद में पता चला कि पिंटू नाम का आदमी है, जो कि वहाँ फंस गया था। उसको एब्डोमिनल पेन का कंप्लेन हुआ, उसके दो जानकार लोगों ने उसको बोला कि चलिए ये लैब है, वहाँ पे हम आपकी दिक्कत को टेस्ट करते हैं। और जब वहाँ टेस्ट लेने करने के लिए उसको ले गए
बारह दिल्ली के रानीबाग थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 21 मई को रास्ते में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की आंख में लाल मिर्च पाउडर डालकर 10 लाख रुपए की लूट की थी और उसी दौरान लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इसी कड़ी में पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। और रविंदर के साथ साजिश करके दो लड़के जो मोनू और मनीष, मोनू अलियास मनीष और रवि, ये साथ सारे मिलके साजिश करते हैं कि किस तरीके से ये 10 लाख जितना भी पैसा जो लेके जा रहा है कमलदीप, इसको कैसे लिया जाए। तो इनका पूरा प्रॉपर प्लान होता है, पहले स्कूटी में उसका वेट करते हैं कमलदीप का जब वो पैसे लेके जा रहा होता है, और वो पैसे जैसे ही वो उस मौके पर पहुँचता है तो वो स्कूटी उसको लगा के, इवन ये भी इसमें ऐसा करता है कि वो मिर्ची भी फेंकता है फेंक करने के लिए ताकि पुलिस को शक ना हो, वो आंखों में मिर्ची भी फेंकता है। बल्कि ये रविंदर बोलता है कि मिर्ची कम फेंकना, तो ये इनकी आपस की पूरी सेटिंग होती है। उसके बाद हमने इनको रिकवर किया, इसमें हमारे पास अभी ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई है और इसमें चारों जो है गिरोह इनका जो है अरेस्ट कर लिया है। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नागपुर से मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम श्रद्धेय श्री दाजी, इस वर्ग के अवलोकन के लिए देश भर से यहाँ पर उपस्थित विशेष निमंत्रित अतिथिगण, संघ पर जो प्रेम है उसके कारण यहाँ उपस्थित हमारे दोनों संत माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष यह शिक्षा का क्रम चलता है परंतु दो वर्ष से कोरोना के कारण स्थगित था। प्रशिक्षण स्थगित नहीं हुआ, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, मैदान में शाखाएं नहीं लगी, घरों में लगी, लेकिन संघ कार्य बंद नहीं था। कोरोना में हमारे कार्यक्रम बदल गए, कोरोना पीड़ितों की सेवा, यही हमारा कार्यक्रम बन गया और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों ने संपूर्ण समाज के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं, यहां लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, परंतु यह प्रशिक्षण है अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको प्राप्त करने का प्रशिक्षण है। जिन बातों का उल्लेख और श्रद्धेय दाजी ने अपने भाषण में किया वही बातें हैं। इस कालावधि में हमारा संपर्क समाप्त नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। बाद में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह करना पड़ा तो बहुत अधिक गांवों में, 4 करोड़ से ऊपर गांवों में हमारे स्वयंसेवक पहुंच गए, परिचय हो गया, संपर्क हो गया। उसके फलस्वरूप इस बार जो वर्ग था अभी यहां उपस्थित है, इससे दुगनी संख्या इसमें आने के लिए तैयार थी।
लेकिन यहां सबकी व्यवस्था एक समय में नहीं हो सकती, इसलिए इस वर्ग में जो आए हैं वो आ गए, जो शेष है उनके लिए हमको दूसरा वर्ग करना पड़ने वाला है, वो हम करेंगे। परंतु ये सब क्यों चल रहा है, तो वही बात है, भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है? हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है, हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता, जोड़ने के लिए चलता है। और भारतवर्ष भी दुनिया में, दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है, तो किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, स्वतंत्र में हमारा स्व कौन सा है, यही हमारा स्व है। बहुत प्राचीन समय में कभी हमारे आर्ष पूर्वजों ने अस्तित्व के सत्य को समझा और जाना कि ये सारा अस्तित्व रंग बिरंगी विविधताओं से भरा हुआ, वो एक ही शाश्वत संपूर्ण एकमेव अद्वितीय सत्य का आविष्कार मात्र है। विविधता ये उस एकत्व की साजा सज्जा है, वो अलगाव नहीं है, आपस में सबका संबंध है, वो आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है। और इसलिए इस अपनेपन की भावना से संपूर्ण विश्व को यह सत्य की ओर ले जाने वाला अपनापन मिले, क्योंकि उस सत्य को प्राप्त करने से शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है, जिसके खोज में सारी दुनिया दौड़ती रहती है, वो केवल वही मिलता है। और हमको प्राप्त हुआ है, सारा विश्व हमारा अपना है, उसको भी प्राप्त होना चाहिए, सबको यह सत्य प्राप्त हो। इसलिए इसी सत्य के आधार पर सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, ऐसे जिसको धर्म के चार पैर अपने आप कहा गया है, इन मूल्यों पर आधारित एक धर्म जीवन भारत में खड़ा किया, वो हमारा राष्ट्र जीवन बना। हम राष्ट्र है क्यों है? किसी भाषा के कारण नहीं है, किसी पूजा के कारण नहीं है, किसी एक जगह रहने वाले हमें इसलिए नहीं है। हमारे सामने एक समान लक्ष्य है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। मनुष्य का जीवन कैसा हो, दुनिया के लोग आए और हम जो दुनिया के सबसे प्राचीन देश है, हमारा दायित्व है, हमारे को देखकर एक एक को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ये एक समान उद्देश्य भारतवर्ष के सब पंथ संप्रदायों के सामने, सब भाषा बोलने वालों के सामने, सभी प्रदेशों में निवास करने वालों के सामने, सभी खान पान रीति रिवाज वाले लोगों के सामने है। यहां तक कि मेरा दावा है कि जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से विदेश से आई पूजा को स्वीकार किया, उनके भी अंतर मन से जब आवाज निकलती है। नागपुर से मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना पुलिस की टीम ने हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने अपने ही साथी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया था और उसके बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन नरेला थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा था। नरेला थाना पुलिस की टीम ने हत्या के प्रयास की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी मन्नान को गिरफ्तार किया। आरोपी मन्नान ने नवंबर महीने में अपने एक साथी के गले पर ब्लेड से वार कर दिया था। आरोपी अपने साथी के साथ बैठकर शराब पी रहा था, उसी दौरान दोनों का झगड़ा हुआ और उसी दौरान आरोपी ने ब्लेड से वार कर दिया,
जिसके बाद आरोपी लगातार राजधानी दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा था। लेकिन बीती रात नरेला थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली कि ये आरोपी नरेला इलाके के पॉकेट चार में आने वाला है, जिसके बाद ट्रैप लगाकर SB इंस्पेक्टर तेज सिंह व हेड कॉन्स्टेबल दीपक राणा की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी मन्नान से पूछताछ में जुटी है नरेला थाना पुलिस की टीम। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले रैकेट गैंग का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दक्षिण दिल्ली के हौस खास थाने की टीम ने महज 6 दिनों के अंदर इस रैकेट के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस गैंग में एक दिल्ली के बड़े नामी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं और इस गैंग के रैकेट के तार दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जुड़े थे। जानकारी के मुताबिक किडनी लेने के लिए गरीब असहाय लोगों को निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में 20 साल से चल रहे रोटी आंदोलन को किसानों ने अपना समर्थन दिया है और देश में चल रहे रोटी आंदोलन को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि रोटी आंदोलन की शुरुआत पंडित श्री शर्मा ने 20 साल पहले की थी और अब देश के कई राज्यों में रोटी आंदोलन अपना काम कर रही है। इसका गरीब लोगों के पेट तक रोटी पहुँचाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और पंडित सुखबीर शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में रोटी आंदोलन से मजदूर और गरीब लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। इसी के चलते आज रोटी आंदोलन देश के कोने कोने में काम कर रहा है। चाहे किसी जाति का हो, कमजोर किसी जाति का हो, मेरे लिए वही जीवन का एक लक्ष्य है कि उनके तकलीफ में रहने नहीं दूंगा। कि सबसे पहली कड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आवाज दी कि मैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में चाहता हूं। इस देश में करप्शन की जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। दिल्ली लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय।